CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कहानी सबसे सुंदर लड़की। थक गया, मगर जब जब इस विशाल समुद्र को देखता हूँ सारी थकान मिट जाती है। यही समुद्र देता है मुझे रंग बिरंगी कौड़ियां, सुंदर सुंदर शंख और विचित्र पत्थर, जिनसे मैं बनाता हूँ तरह तरह के खिलौने और बेच आता हूँ पास के शहर में। ये हर्ष नहीं आया अब तक, 11 साल का भी नहीं हुआ है, मगर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता है जैसे तालाब में बत्तख। हर्ष, तुम्हें डर नहीं लगता इन लहरों से? डर क्यों लगेगा मंजरी, लहरें हमारे साथ खेलने ही तो आती हैं। हर्ष, देखो तो कितनी बड़ी लहर आ रही है तुम्हारी तरफ। अरे मंजरी, ये लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। देखो, इसी लहर पर होकर सवार मैं अभी आ जाऊंगा किनारे पर। देखो, आ गया ना सही सलामत किनारे पर। तुम तो यूं ही डरती हो मंजरी। हाँ हर्ष, तुम्हें पता है मैं यहाँ अपने पापा के साथ आई तो ये इतना बड़ा समुद्र देखा। अच्छा ही है ना कि हम दोनों के पापा एक दूसरे के दोस्त हैं। वरना तुम यहाँ कैसे आ पाती? सही कहा तुमने, मैं भी चाहती हूँ कि समुद्र की लहरों पर तैर सकूं। जैसे कि यहाँ की लड़कियाँ तैरती हैं। जैसे कनक? हाँ बिल्कुल कनक की तरह। अरे वो तो मेरे हाथ में हाथ डालकर लहरों पर बिना किसी डर के दूर, बहुत दूर निकल जाती है। अगर मुझे तैरना आता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ दूर लहरों तक चली जाती, पर मुझे तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती पसंद नहीं आती। लेकिन कनक बहुत ही अच्छी लड़की है। एक दिन उसके पिताजी नाव लेकर गए थे पर लौटे ही नहीं। उसकी माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह से उसे और उसके भाई को पालती हैं। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। यहाँ एक सीपी और जोड़ देता हूँ। हाँ अब ठीक है, बन गया एक पक्षी। अरे अरे बाबा, ये रंग बिरंगी सीपियों से बना खिलौना किसके लिए बनाया है? ये सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? हाँ हाँ बाबा। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हाँ हाँ बाबा, मैं ये पक्षी मंजरी को ही दूंगा। चलो चलो जल्दी चलो। कहाँ? देखो समुद्र की कितनी बड़ी लहर आ रही है। क्यों, अब क्या तुम्हें समुद्र से डर नहीं लगता? नहीं, अब मैं निडर हो गई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मंजरी। अच्छा ये बताओ, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। आओ उस छोटी चट्टान तक चलते हैं। चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। हाँ, अरे देखो तो वहाँ बड़ी वाली चट्टान पर कनक बैठी हुई है शायद। हाँ, और शायद उसने हमें देख भी लिया है। हर्ष हर्ष, इधर देखो इधर, मैं यहाँ हूँ। हाँ हाँ, तुम भी यहाँ आ जाओ जल्दी। पर नहीं कनक, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ ना। मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं उससे कमजोर हूँ? अरे कितना सुंदर शंख, इसे उठा लेती हूँ। मंजरी मंजरी रुको, संभाल के। मंजरी मंजरी नहीं, मंजरी को तो तैरना भी नहीं आता और ये लहर तो उसे बहा ले गई। अब ये लहर उसे जरूर बड़ी चट्टान की तरफ ले जाएगी। कनक! अरे ये क्या? कनक कुछ करो। हाँ हर्ष, तुम चिंता मत करो, मैं मंजरी को डूबने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ।
ये पकड़ो हर्ष, इसका हाथ पकड़ो, आराम से इसे यहाँ लिटा देते हैं। देखो इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, इसे दबाओ। आराम से बस पानी बाहर निकल गया है क्या? हाँ हर्ष, देखो मंजरी ने आंखें खोल ली है। अच्छा देखूं तो कहीं चोट तो नहीं आई है? नहीं कोई चोट नहीं आई, बिल्कुल ठीक है मंजरी। आज यहाँ जन्मदिन के अवसर पर सभी कुछ ना कुछ लाए हैं। मैंने भी सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते ही होंगे वो लड़की कौन है, वो है मंजरी। लो हर्ष, ये खिलौना मंजरी को दे दो। हाँ बाबा। ये लो, ये रहा। लो मंजरी, ये रहा तुम्हारा तोहफा। धन्यवाद हर्ष, मगर मगर क्या? क्या हुआ मंजरी, क्या तुम्हें उपहार पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उपहार तो बहुत अच्छा है, मगर मगर क्या? कनक, ये लो, ये पक्षी तुम्हारा है, मेरा, पर मैं इसे, ये उपहार तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। बिल्कुल सही कहा तुमने मंजरी, है ना बाबा? बिल्कुल। सबसे सुंदर लड़की, अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा से संकलित ये कहानी। इसको लिखा था हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रभाकर ने। विषय संयोजक प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। आभार अजीत होरो। ध्वनियांकन बटी लैंगडिंगडो। कलाकार अभिषेक शर्मा, रक्षित, मेघा और आभा। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।